नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुपमा का आज का एपिसोड ठीक था, बहुत ग्रेट नहीं था मगर ठीक था, इमोशनल भी था और ड्रामा भी था, जैसे कि मालती देवी। आपके रिव्यूज आए हैं, मिले जुले रिव्यूज हैं, मजेदार हैं। चलिए सुनते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं पहला रिव्यू। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी आज थोड़ा लेट हो गया, आई एम सॉरी, बट अगर हो सके तो कर दीजिएगा ऐड। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया इसलिए मैं कुछ रिक्वेस्ट तो नहीं करूँगी, क्योंकि आपका शायद अगर वीडियो बना नहीं होगा तो आप कर लेंगी, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। और दूसरी बात है कि आज का शो के बारे में बोलना चाहूँगी कि आज का शो मुझे अच्छा ही नहीं लगा, अजीब सा लगा, क्योंकि आज खैर अजीब इसलिए कि मालती देवी ने तो जो करना था मालती देवी ने कर दिया, अनुपमा जैसी है वैसी है ही। हम पता है कि अनुपमा ऐसा डायरेक्ट जाके अनुज को तो बताएगी नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं बताएगी, क्योंकि यहाँ पर वो एक माँ भी है और वो ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि इतने सालों बाद अनुज के साथ ऐसा नहीं करेगी कि वो अपने लिए ऐसा पर्सन ही नहीं है, अनुपमा ऐसी इंसान ही नहीं है कि वो मालती देवी की बात अनुज को जाके बताएगी। पर कल भी मुझे नोटिस किया और आज भी मैंने किया कि आज तो पूरा क्लियर किया, आज अनुज ने मालती देवी की बातों को यानी वो किया कि ठीक ही तो कह रही है अनुपमा, जाने दो उसे, छोटी को उनके साथ जाने दो, जो भी है ना, वो अनुज के अनुपमा के लिए कहता है कि अनुपमा थक जाती है, फिर एक अकेली कहाँ क्या संभालेगी। कल भी वो किचन में वही जो अनुपमा अनुज वो समझ रहा है कि अनुपमा अकेली पढ़ रही है और मालती देवी करना चाहती तो कर रहे थे उन्हें काम, उसका उनका उसका मतलब वही है। पर इस चक्कर में क्या होगा कि वो अनुपमा को शायद बता नहीं क्यों ऐसा, मुझे लग रहा है कि अनुज ऐसा कभी करेगा नहीं। पर अभी ऐसा है ना कि वो अनुपमा बता नहीं पाएगी और अनुज समझ नहीं पाएगा, और अभी थोड़ा बिजी भी दिखाते हैं उसको अनुज को, जैसे कल भी वो जब अनुपमा से बात करता है कि वो मालती देवी के साथ, तभी वो वहाँ बहुत देर तक रुका नहीं तो अनुज चेहरा पड़ता है, अनुपमा का चेहरा जानता है, पर वो वहाँ से अर्जेंट कॉल है करके तभी भी चला गया। और आज भी वही हुआ कि हाँ वो दादी और पोती का प्यार है, तब भी अनुज अर्जेंट कॉल बोल के चला गया। तो पता नहीं क्यों मुझे इस बार ऐसा लग रहा है कि अनुज नहीं समझ पाएगा, ऐसा जानबूझ के करेगा नहीं पर वो नहीं समझ पाएगा, और ये मालती देवी का शिकंजा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। तो कहीं ना कहीं अनुज और वो छोटी का वो भी लग रहा है ना कि जो उसको स्पोर्ट का प्रोग्राम का जो इन्विटेशन कार्ड है वो भी मालती देवी छुपाती, तब अनुज को बुरा लगेगा कि मैं तुम तब भी नहीं जा पाई, ऐसा कुछ तो भी होगा, शायद उसे बुरा लगेगा कि छोटी के लिए इम्पोर्टेंट था अनुपमा तुम भूल गई, जो भी ऐसा है। तो मालती देवी ये सब ऐसी छोटी छोटी बातों पर हरकत है, और इस बार मुझे लगता है ये लड़ाई अनुपमा को ही अकेली पड़ गया, अनुपमा अकेली पड़ सकती है मुझे लगता है, शायद अगर अनुज को अगर समझ में नहीं आया तो। आज आपने कहा कि वो शक के दायरे में आ गई है, तो आ गई है मालती देवी अनुज के तो, पर पता नहीं है, वो अनुपमा ने भी थोड़ा उस टाइप का नहीं बोला, अनुपमा बोलेगी नहीं, पर अब पता नहीं वो क्या लेगा कैसे लेगा। पर अभी आज तो फिलहाल अनुपमा अलग अकेली है इस सब के लिए, क्योंकि वो ना ही वो अनुज को बता सकती है और ना ही क्योंकि वो एक टिपिकल वुमन नहीं है ना, वो ऐसी बहू नहीं है कि वो जाके बता देगी, वहाँ वो अनुज के लिए भी सोचती है कि उसकी माँ है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, माँ बेटे एक हो ही जाएंगे, तो वो ऐसा कभी नहीं चाहेगी कि उसकी माँ को बाहर, जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है कि उसकी माँ को उसका बेटा ही निकाल दे घर के बाहर, ये ऐसा कभी अनुपमा होने नहीं देगी। देखते शो में आगे क्या होता है। थैंक यू अंजू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच वर्षा आपके ऑडियो के लिए। और आपने सही कहा है कि मालती देवी ने अपना शिकंजा जो है कसना शुरू कर दिया है, और ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जैसे कि हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं, हमेशा ही करते हैं, कि ये लड़ाई जो है आसान तो होने नहीं वाली है अनुपमा के लिए, बहुत सारे जो है होंगे इसमें मुश्किल जो चीजें होंगी वो इस दौरान होंगी, और अनुपमा कभी अकेली भी पड़ सकती है, क्योंकि कभी मालती देवी ज्यादा हावी भी हो सकती है, तो ये अल्टीमेट जीत की बात करें तो वो अनुपमा की ही है। तो थैंक यू सो मच वर्षा आपके ऑडियो के लिए, आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी, हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। सही कहा अंजू मैम, हम अनुपमा से नाराज थे, पर कल का एपिसोड अच्छा लगा, उसने मालती को जवाब जो दिए, ऐसे ही अनुपमा स्टैंड लेती रहेगी तो मेरी नाराजगी जल्द खत्म हो जाएगी अनुपमा से। आज का एपिसोड देखा, अनुपमा कह रही है
कि किसी की नज़र ना लगे, तो नज़र तो लग चुकी है मालती देवी की तुम्हारे परिवार को। अंजू मैम, कल हमने अपने ऑडियो में कमेंट किया था कि अनुपमा अपनी ही थाली हटाएगी, और वही हुआ भी। एक माँ ने दूसरी माँ का सम्मान किया, पर अनुपमा ने ये अच्छा नहीं किया, उसको अपनी थाली रखनी चाहिए थी। बा का कहना अपनी जगह बिल्कुल सही है कि सब घर छोड़कर जा रहे हैं, घर आंगन सूना करके। किंजल समझा रही है बा को, पर किंजल ने कहा हमारी मजबूरी है, हमें उड़ना होगा। बा ने भी कह दिया कि उड़ जाओ। वो दिन याद करो बा, जब अनुपमा चाहती थी अमेरिका जाना, तब वरराज के साथ मिलकर जाने नहीं दिया। अब चाह कर भी नहीं रोक पा रही हो, असहाय हो असहाय, ये है जीवन चक्र। अब वही अनुपमा को याद कर रही हो और रो रही हो कि आज अनुपमा है तो हम हैं, जिसका जीना हराम करके रखा था, मायके तक जाने नहीं देती थी। मालती देखो कैसे गेम खेल रही है अनुज को देखकर, बहुत गलत कर रही है ये मालती। अनुपमा ने सही कहा कि दादी पोती शरारतें कीजिए, और सही करने के लिए हम हैं। अनुज ने भी कहा कि मेरी अनु है ना सुधारने के लिए, अब क्या करोगी मालती जी। अनुज छोटी की मस्ती देखकर मालती जल भुन रही है। अनुज फिर गलती कर रहे हैं, छोटी को जाने दे रहे हैं मालती के साथ, जबकि अनुपमा लेकर जा रही थी तब। मालती अनुज के दिल में जगह बनाने के लिए अनुपमा डांस एकेडमी की चाबी डिम्पी को देती है अनुज के सामने। डिम्पी खुश हो जाती है बहुत। मालती माफ़ी भी मांग रही है डिम्पी से, नाटक अच्छा कर लेती है ये मालती। अनुपमा सब पैतरे समझ रही है मालती के। अनुपमा सोच में ही थी तब तक अनुज थैंक्स बोलते हैं मालती को। डिम्पी ने डांस एकेडमी की चाबी अनुपमा को वापस कर दी, क्योंकि वो समर का सपना था। डिम्पी ने अपनी गलती रियलाइज की और अनुपमा से कहा कि हमें और डांस एकेडमी को मम्मी आपकी ज़रूरत है। ये सब मालती को बर्दाश्त से बाहर है कि चाबी तो हमने दी है और ये डिम्पी कर क्या रही है। अनुपमा बहुत खुश है, अब डांस एकेडमी से बहुत यादें जुड़ी जो हैं उसकी अनुपमा की। अनुपमा की जान है डांस एकेडमी। अनुपमा ने फिर से चाबी डिम्पी को दे दी डांस एकेडमी की। मालती को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, मन में कुछ है ऊपर से कुछ करना पड़ता है। सच ही मालती है बहुत खतरनाक, पर अनुपमा के साथ इसका खेल देखने में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि अनुपमा मालती के इरादे समझ चुकी है। अनुज कुछ कुछ मालती से इम्प्रेस हो रहे हैं, पर अनुपमा कुछ भी नहीं बताएगी अनुज को मालती के मंसूबों के बारे में। टीटू भी अनुपमा डांस एकेडमी में आ गया है और इसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत है, तो ये डांस एकेडमी बहुत जल्दी ऊपर जाएगी। डिम्पी टीटू की नोकझोंक स्टार्ट। डांस सिखाते सिखाते डिम्पी गिरने वाली थी, अनुपमा भागती है, पर तब तक टीटू उसको संभाल लेता है। उस पर डिम्पी भड़क उठती है टीटू पर। प्रीकैप में देखा अनुपमा ने टीटू को बताया कि मेरे बेटे की आखिरी निशानी है डिम्पी के, वो प्रेग्नेंट है। छोटी को मालती ने फ्रेंड के यहाँ भेजा, उस पर अनुपमा ने कहा अगली बार से भेजने के पहले उसके पापा से या हमसे पूछ लेना। उस पर मालती का कहना मैंने पूछना जरूरी नहीं समझा। अब देखते हैं सीरियल में क्या होता है। धन्यवाद। थैंक यू कुमुद जी आपके ऑडियो के लिए। और सही कहा आपने कि अगर अनुपमा ऐसे रूप में आएगी तो क्यों नहीं पसंद आएगी। तो अनुपमा तो पर जैसी है वो तो वैसे ही करेगी, क्योंकि हम ऐसे करते हैं, हम ऐसे करेंगे, इसलिए हमें लगता है कि वो भी ऐसा करे। ये जवाब देना चाहिए था, ऐसे बोलना चाहिए था अनुपमा को। मगर हर लाइफ अलग है, हर किरदार अलग है, और वो अपनी अपनी भूमिका निभा रहा है। हम दर्शक हैं, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू बकायदा ऐसे ही रख सकते हैं जैसे कि आप रखती हैं। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड आफ्टरनून अंजू मैम, महिमा नमस्ते, हमारी सारी दीदी को नमस्ते, सबके दोपहर शुभकामनाएं। दिवाली आने वाली है, सबके घर में लक्ष्मी का वास हो। और आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा। चालबाजी तो मालती जी कर रही हैं, पर सक्सेस नहीं हो पाएंगी। कितने लोग जो पागल हैं, जो यूट्यूब बार बार देखते कि अपने जी को जलाते रहते हैं, और नए नए वो ट्रैकल्स जो दिखाते रहते हैं कि अनुज अनुपमा अलग हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, तो ये सब चीज़ मैं बिलीव नहीं करती। पहले कर रही थी और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी और बहुत ज़्यादा रो रही थी, अब नहीं करती। अब करना भी नहीं है और करती भी नहीं। और
और एक बात कह रहा है कि आज का पत्ता बहुत अच्छे खेलने लग गई है, मतलब छोटी अरु और पाकी बाकी थी उन लोगों को तो कर ही रही है, अब डिम्पल को भी अपने साइड करने की कोशिश कर रही है। अनुज थोड़ा बहुत समझ रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ चल रही थी, जल्दी छोटी अरु किसी के करीब नहीं जाती है, पर ये बालती जी कुछ जल्दी इसको अपने करीब नहीं ला रही है। इस अब जो बात कही है मैम वो एकदम राइट है, 199%। लेकिन एक बात कहना है मैम, जो आदमी गलत करता है या जो आदमी जैसा भी करता है उस करनी का फल उसको भोगना पड़ता है। अभी वो नहीं समझ पा रही है मालती जी, लेकिन बाद में उसे समझ में आएगा, बहुत जल्दी समझ में आएगा कि अनुपमा को मैं जितना पेन दे रही हूँ उतना ही मुझे भी पेन मिलेगा। क्योंकि जब वो दिखाया है ना ट्रैक में, प्रोमो में कितनी बार दिखाया है कि बा बापू जी इस घर में आएंगे, बा बोलेगी अनुज को तो शायद उसको अनुज बा की नहीं बात मानेगा, लेकिन अगर बापूजी अनुज को अकेले में समझाते हैं कि बेटा ऐसी बात हो रही है तो बापूजी की बात कभी नहीं काटेगा अनुज। कि जरूर कुछ ऐसा है जो अनुपमा झेल रही है या अनुपमा बर्दाश्त कर रही है जो मुझे आके बता नहीं रही है, तो वो हेल्प जरूर करेंगे और अनुज को भी दिखेगा कि नहीं सच में अनुपमा यहाँ भी प्रॉब्लम में है, मैं उसको समझ नहीं पाया। कभी कभी होता है ना रिलेशन एक दूसरे का समझ में नहीं आता है, बाद में वो जब समझ में आता है तो वो अपनी वाइफ के साथ ही खड़ा रहेगा। अभी तक तो वो अपनी माँ ही नहीं मानता है, पहली बात तो अभी तक नहीं देखा कि अपने मुंह से माँ बोला हूँ। तो यही यही एक टेक्स्ट है जो वो समझना नहीं चाहता। अच्छा लगा देखकर कि सुबह सुबह उठ के जो थाली वाला पूजा की थाली की बात होती है, तो मैं सोची कि अनुपमा इसमें भी आर्गुमेंट करेगी कि मेरी थाली पूजा की होगी, लेकिन उन्होंने अपने खुले दिल से, रेस्पेक्ट से, मान से, सम्मान से उन्होंने कहा कि ये थाली तो पूजा की थाली एक ही होनी चाहिए, घर में खाने की थालियाँ बहुत सारी होनी चाहिए कि कोई भी आए तो थालियों की कमी ना हो, लेकिन पूजा रूम में एक ही थाली होना जिसमें मतलब हम बोलते हैं ना हम लोग के रिवाज में कि पूजा थाली एक ही होनी चाहिए, तो वही चीज़ उसमें दिखाया गया है अनुपमा सीरियल में। तो उन्होंने अपने खुले दिल से अपनी थाली हटा दी और मालती जी की थाली रख ली, बोले ठीक है आप करिए। लेकिन एक चीज़ इसमें भी सीख मिलती है मैम कि बड़ों का आदर, बड़ों का सम्मान, बड़ों की इज्जत सबसे पहले आती है, लेकिन बड़ों को भी वो इज्जत बच्चों को देना चाहिए। और एक चीज़ है, जब अनुज ऊपर से आते हैं और उन्होंने कहते हैं कि मालती मालती जी कहती हैं कि मैं छोटी को चॉकलेट दे दूं क्या, खिला सकती हूँ क्या, तो उन्होंने कहा कि अनुपमा ने कहा कि हाँ जरूर खिला सकते हैं, जरूर खिला सकते हैं। तो वो चीज़ भी देखकर अच्छा लगा कि उनके मन में ये नहीं आया कि अगर नहीं खिला सकते जरूर खिला सकते हैं, वो बोली। और फिर उन्होंने बोला कि मैं छोटी को स्कूल छोड़ दूँ क्या, तो वो भी उन्होंने फिर अनुपमा को अब थोड़ा बहुत लग रहा है कि छोटी अनु को मेरे को अपने पास रखना चाहिए, उसके साथ खेलना चाहिए, कूदना चाहिए, क्योंकि अब वो अपने एक बेटे को खो चुकी है, डिम्पल के साथ टाइम स्पेंड कर रही है, आई नो कि पाखी उसके साथ जिस तरह का रिएक्टेशन कर रही है, केंजल और पारितोष यूके जा रहे हैं, तो बच्चों की कमी माँ बाप को पहले खलती है। आप कहेंगे मैम कि एपिसोड के बारे में महिमा नहीं बोल रही है, उसके आगे का कुछ बोल रही है, तो भाई ये बात तो ज़रूर है कि अब उन्हें बच्चों की कमी महसूस हो रही है। क्यों समर रहता था कि समर को जब वो बुलाती, जब वो आके बात करता, थोड़ा टाइम स्पेंड करता, लेकिन अब वो खुद ही बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, अनुज के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, लेकिन होता नहीं है। और खासकर छोटी के साथ तो टाइम स्पेंड करने का उनका बहुत मन है, लेकिन बीच में बालती जी आ जाती है और जब वो एकेडमी की, अनुपमा डांस एकेडमी की चाबी देती है डिम्पल को और देखती है कि अप्रिशिएशन मुझे अनुज गले लगेगा कि वाह आपने तो बहुत अच्छा काम किया, तो उसे वो अप्रिशिएशन ही मिलता है बल्कि थैंक यू बोलकर डिम्पल थैंक यू बोलकर अनुपमा को वो चाबी दे देती है कि ये एकेडमी आपकी है और आप ही की रहेगी और
आप देखते हैं कि टिट्टू जो आया है, रिपेश बोलकर जो, कि वो क्या क्या कमाल करता है और क्या क्या कमाल नहीं करता है वो पता चलेगा। और मेरे को यही लगता है कि अभी जो कल के प्रोमो में दिखाया है कि अनुपमा बताती हैं कि इसके अंदर जान तो है लेकिन इसके अंदर एक और जान पल रहा है, तो अब टीटू ज़्यादा ध्यान देगा, उसे बदतमीजी नहीं करेगा। जिस तरह से अभी बातें कर रहा है, उसके साथ रिलेशन कर रहा है, वो बार में वो समझेगा कि नहीं, अभी मूड वायरस चेंज होता है, इस वजह से वो भी कायदे से ही बात करेगा। ये जानेगा कि अपना पति भी चला गया और अब बेबी भी है पेट में और वो अकेली भी है, तो उसको ज़्यादा तंग नहीं करना, वो जैसे करना चाहती है करने थे तो उस तरह से वो करेगा, तो वो अच्छा लगा देखकर। अगर 3 दिन वो डांस एकेडमी संभालता है तो दो दिन कम से कम उसे रेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि माँ बनने वाली हैं, थोड़ा आराम करेंगी तो अच्छा रहेगा। और तो और सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ये शो कि बा हाथ जोड़ती है किंजल के सामने। किंजल को थोड़ा समझना चाहिए कि बा बोल रही है तो एक बार सुन लेते हैं, एक बार उनकी बातें मान लेते हैं। बार कितनी कितनी बातें बोल रही है, बापू जी भी लोग बोलते हैं कि हम लोग सबका संभालते संभालते अपनी पूरी ज़िंदगी काट दिए, अब हमारे बच्चे हमें को छोड़ के जा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि अनुपमा जैसी औरत अगर घर को संभाल के रखी थी तो घर आगे बढ़ रहा था, लेकिन अभी अनुपमा के जाने से सब कुछ थिर थिर हो गया। यही चीज़ जब कपाड़िया हाउस में आएंगी, और कपाड़िया हाउस में आते ही बा उन्हें अनुज को सतर्क करेंगी कि बेटा वो घर तो बर्बाद हो गया, मैं नहीं चाहती कि ये घर बर्बाद हो। अनुपमा के जाते ही सारा घर थिर थिर हो गया काव्य के आते ही। अब ये सोच लो बेटा कि माया आई थी तो भी तुम्हारा घर थिर थिर हो गया था और अब मालती है, तो ये सोच के रखना बेटा कि अनुपमा को तुम्हें संभाल के रखना होगा। अगर अनुपमा इस घर से गई तो तुम अकेले पड़ जाओगे, क्योंकि मालती जी अपना काम करती रहेंगी, क्योंकि उन्हें बिजनेस और उन्हें डांस अकेडमी से प्यार है। वो दिखाने के लिए करती है कि अनुज से प्यार है, रियलिटी में उसे अनुज से प्यार नहीं, अनुज की प्रॉपर्टी से प्यार है। जिसे बेटे से प्यार होता है ना वो सही काम करती है, इन्हें बेटे से प्यार नहीं, इन्हें प्रॉपर्टी से प्यार है। थैंक यू अंजू मैम, मुझे यही बात कहनी थी, एंड आई लव यू टू। हमारी कुमुद त्रिपाठी दीदी, आपने मेरे ख्याति दीदी या कुमुद त्रिपाठी दीदी दोनों में से कोई मुझे बोली थी कि महिमा टेंशन मत लीजिए, जो होता होने दीजिए और आगे बढ़ते जाइए, तो बहुत अच्छा लगा आप मुझे समझाने के लिए, मुझे प्यार देने के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, आई लव यू टू, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच महिमा आपके ऑडियो के लिए, और आपने जैसे कि हमेशा की तरह अच्छे अच्छे अपने बातें शेयर की हैं और मजा आया आपका ऑडियो सुन के, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्कार मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अंजू मैम आपको भी नमस्कार, और कल मैं आपके लिए भी कहना भूल गई थी कि आपने भी मुझे बहुत सारी हिम्मत दी थी मेरे संघर्ष से लड़ने के लिए। थैंक यू सो मच अंजू मैम, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म भी देने के लिए और मुझे मॉरल सपोर्ट देने के लिए, थैंक यू सो मच अंजू मैम आपका। और मैंने अभी आपका वीडियो भी देखा और धारावाहिक भी देखा। आपके वीडियो में आपने बताया कि अनुज को शक हो रहा है, मालती देवी इतनी जल्दी छोटी अनु से कैसे घुल मिल गई है, और हम सभी यही डिमांड करते हैं कि अनुपमा अब सब कुछ जानती है मालती देवी के बारे में, तो एक पत्नी होने के नाते उसे अनुज को सब कुछ बता देना चाहिए। पर आपने ये बताया कि अनुपमा को रिश्तों को संभाल के रखना है और एक माँ की बेइज्जती एक बेटे के द्वारा नहीं करना चाहती अनुपमा, इसीलिए वो नहीं बता रही है, ये भी आपने अपने वीडियो से बताया। मैंने धारावाहिक भी देखा, आज के धारावाहिक की शुरुआत में अनुपमा निस्वार्थ भाव से भगवान से प्रार्थना कर रही है कि मेरे आसपास के सभी लोग खुश रहें, सुख समृद्धि रहे उनके पास में, और वो अभी धीरे धीरे सबके हालात सुधर रहे हैं तो वो अपने उसमें खुश रहें। और मालती देवी पूजा की थाली लेके आ जाती है, मालती देवी को ये था कि या तो अनुपमा उनकी इंसल्ट करेगी या कहेगी कि ये मेरा घर है, यहाँ पे मेरी ही चलेगी। उल्टा मालती देवी को अनुपमा ने ये दिखाया कि
अब ठीक है, हम कल से इसी पूजा थाली में, क्योंकि पूजा की थाली हमेशा एक ही होती है, इसी थाली से हम सभी पूजा करेंगे। और बाद में अनुज, अनुपमा और छोटी की मीठी नोकझोंक देखी, मालती देवी जानबूझ के अनुज के सामने, अनुज की गुडबुक में अच्छे रहने के लिए बोलती है कि मैं चॉकलेट खिलाऊं, छोटी को चॉकलेट दूं, दादी क्या चॉकलेट दे सकती है। अनुपमा ने पीछे मुड़कर देख लिया कि ये अनुज के सामने कर रही है, तो कह दिया ठीक है, आप बिगाड़ो दादियों का, दादी का काम होता है बच्चों को बिगाड़ना और माँ का काम होता है सुधारना। अनुज ने कहा सही कहा है मालती देवी, आप करिए, आपको जितना बिगड़ना है बिगड़िए, खुद को भी बिगाड़िए और छोटी को भी मेरी बिगाड़िए, लेकिन मेरी अनु है ना सब सुधार लेगी। ये सुन के मालती देवी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है मैम, फिर भी वो डांस एकेडमी की चाबी देती है डिंपल को। वो कहती है, मनी मन बोलती है कि मुझे अनुपमा से अच्छा बनना होगा, अनुज की नज़रों में अगर मुझे अपने अपने दिल में स्थान बनाना है अनुज के, तो मुझे अनुपमा से अच्छा बिहेव, अनुपमा से भी ज़्यादा अच्छी हूँ मैं, ऐसा दिखाना होगा अनुज को। अनुज क्या बिल्कुल समझते नहीं है कि अनुपमा को अपनी, हाँ हालांकि मालती देवी अनुपमा के स्वभाव का गैर फायदा उठाएगी, वो यही कहेगी कि अनुपमा को सामने से वार करने पे उन्हें मुंह की खानी पड़ती है, इसीलिए वो सामने से वार नहीं करेगी, पर इस तरह से हथियार बना के, तो मुझे मैम छोटे बच्चों को जो लोग मोहरा बनाते हैं, हथियार बनाते हैं, उन लोगों से सख्त नफरत है। लेकिन अनुपमा दिल में जानती है कि दादी पोती के बीच में मैं कभी नहीं आई थी, लेकिन वो मेरी बेटी के जरिए मुझसे अगर उलझना चाहती है तो इसका जवाब मुझे देना ही होगा। और इन लोगों के बीच में मीठी नोकझोंक हो रही थी, तब अनुपमा ने हंसते हंसते ये भी कह दिया अनुज के सामने कि हाँ आप लोगों की शरारत है तो ठीक है, लेकिन अगर इसको कोई वो इस्तेमाल करना चाहेगा तो मैं उसे बता दूंगी कि मैं सच में कान खींचती हूँ। कोई और दादी होती तो अपने पेट पोते पोती को और बेटे बहू को खुश देख के खुश रहते, लेकिन मालती देवी तो मुंह बिगाड़ रही है। वहाँ शाह उसमें किंजल बापूजी को चाय देती है और बापूजी कहते हैं कि अभी हमको घर में थोड़ी सी पैसे की तंगी है, तो हमको कुछ करना होगा, कुछ खींचतान के कर चलाना होगा घर को। और किंजल को बा मना करती है कि तुम लोग विदेश मत जाओ, हमारी मजबूरी है। आखिर में वो सीन आ ही गया, किंजल की सच में मैम आज मुझे बहुत बड़ी मजबूरी दिखी कि क्योंकि उसके शब्द उसकी आंखों में आंसू थे और वो जबरदस्ती उनको उड़ना पड़ेगा, ऐसा शब्द बोला है किंजल ने। फिर बाद में बापू जी बोलते हैं कि नहीं ठीक है उनको जाने दे, बादिल से आशीर्वाद देके जाने के लिए कहती है कि तुम लोग ठीक है अपनी उड़ान उड़ो। और बा यही कहती है कि अनुपमा नहीं होती तो हम शायद कब के मर गए होते। बा वैसे तो हमारे यहाँ कहावत है कि बेटियों की माँ होती है रानी होती है, वो जवानी में और बुढ़ापे में पानी भरती है, ऐसी कहावत है, लेकिन आपके लिए ये उल्टी कहावत है। आपने अनुपमा के राज में हमेशा ही झूले पे बैठे रहना, बैठे बैठे ऑर्डर मारना, बद्दुआएं देना, ये सब किया था, लेकिन आप दूसरी बहुओं के रहते हुए अब आपको घर में सारे काम करने पड़ेंगे बड़ी उम्र के होने के बावजूद। पर वहाँ मालती देवी एक डिंपल को डांस एकेडमी की चाबी देख के अनुज की नज़रों में अच्छा बनना चाहती है और माफ़ी मांगती है। उन्हीं के सामने डिंपल ने ये चाबी अनुपमा के हाथ में दे दी कि मैं मुझे मेरी अपनी गलती का एहसास हो गया, और जब आपकी गुरु माँ ने हमको आपके खिलाफ भड़काया था तो हमें लगा था कि आपके और हमारे बीच में दूरियाँ आ गई है। लेकिन अनुपमा ने बड़े प्यार से कहा कि बेटा मैं तो तुझसे कभी दूर गई ही नहीं थी। ये सुनकर डिंपल थोड़ी सी भावुक हो जाती है। उधर फिर डांस एकेडमी में आती है, वहाँ पे तपिश भी आते हैं और तपिश ADA कह के अपनी एडवर्टाइज करते हैं कि यहाँ पे आपका सभी का स्वागत है अनुपमा डांस एकेडमी में।
कल आने वाले प्रोमो में मालती देवी बिना पूछे छोटी को बाहर इसी उसकी किसी फ्रेंड के यहाँ भेज देती है। अनुपमा अब सख्त कदम उठाइए, भले आप अपने स्वभाव के हिसाब से अनुज को नहीं बताना चाहती, अनुज को दुख नहीं पहुँचाना चाहती कि ये उसकी माँ उसके खिलाफ ऐसी ऐसी साजिशें कर रही है, ठीक है, लेकिन तो फिर आप खुद ही उसको कहिए। हालांकि आप बोल तो रही हैं कि अब से आपको अनुज उसके पापा को छोटी को बता के छोटी के बारे में आप उसके पापा को या मुझे बता के ही कोई भी फैसला लेंगी। और कल के उन प्रोमो में ये भी दिखाया जाएगा कि अनुपमा ने तपिश को ये बता दिया है कि ये प्रेग्नेंट है, इसके पेट में मेरे बेटे की आखिरी निशानी पल रही है, इसका बहुत ध्यान रखना होगा। थैंक यू सो मच अंजू मैम इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए, और थैंक यू वंस अगेन मुझे मॉरल सपोर्ट देने के लिए। कल मैं आपका नाम लेना भूल गई थी, भूल नहीं गई थी, लेकिन मुझे लगा कि मेरा टाइम पूरा हो रहा है इसीलिए मैं नहीं बोल पाई। मुझे थोड़े दिनों पहले तकलीफ में मुझे मॉरल सपोर्ट देने के लिए थैंक यू सो मच अंजू मैम आपका, कि मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिला और इतनी अच्छी बहन कम फ्रेंड मिली है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मनीषा जी, सही कहा आपने कि सामने से वार तो नहीं कर रही है मालती देवी। हाँ उसको पता है क्योंकि सामने से मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि एक बार तो स्वाद चख ही चुकी है जो रसोई वाला सीन हुआ था वो। तो सही आप समझ रही हैं अनुपमा और मालती देवी की इस लड़ाई को। थैंक यू सो मच मनीषा जी, आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू मैम नमस्ते, मेरी सभी प्यारी बहनों को प्यार भरा नमस्ते। मैं बहुत दिनों के बाद आज पब्लिक वॉइस में मेरा वॉइस भेजने की सोचकर कुछ कहने के कह रही हूँ। मैं पहले अनुपमा पब्लिक वॉइस में मैं कई बार सुनने के बाद मैंने कई बहनों की हमारे थर्ड्स के ऊपर टिप्पणी करना मुझे ऐसे कुछ खास नहीं लगा, इसलिए मैंने सोचा छोड़ो इस पब्लिक वॉइस में मैं पार्टिसिपेट करना ही मुझे नहीं है। लेकिन दो तीन दिन पहले आपने जो कहे ये अनुपमा की प्लेटफॉर्म है, अनुपमा स्टोरी सीरियल के बारे में किसी को भी कहने की कहना कोई कुछ कहना चाहे तो कह सकता है, लेकिन किसी घरेलू अपना घरेलू समस्या या घरेलू मुद्दे के बारे में नहीं। तो उसको सुनने के बाद मैं ये पब्लिक वॉइस आज दे रही हूँ, अगर ठीक लगे तो पब्लिक वॉइस में सुनाए, ना ठीक लगे तो ना सुनाए, कोई बात नहीं। लेकिन मेरा यह पब्लिक वॉइस में वॉइस देना दो मतलब है, एक तो आप सभी बहनों से और मैडम आपसे जुड़ना, दूसरा मेरा हिंदी सीखना एक सपना है। इस चैनल के माध्यम से मेरा वॉइस देने से मैं अपने आप को इस चैनल के माध्यम से सुनती भी हूँ और भूल मैंने अपने प्रोनाउंसिएशन और वॉइस में गड़बड़ी सब कुछ अपने आप सही करने की कोशिश करती हूँ। इसलिए अगर मैं गुस्सा हो भी जाऊँ तो बुरा ही मुझे ही खामियाजा भोगना पड़ेगा। तो मैं आज पब्लिक वॉइस में फिर से अपना वॉइस दे रही हूँ, आप चाहें तो शामिल करें या ना चाहें तो ना करें, कोई बात नहीं, लेकिन मैं दे रही हूँ। आज मैं मालती देवी के बारे में कहना चाहती हूँ। मालती देवी ना ही कपाड़िया से, ना ही अनुज इलीगल अडप्ट चाइल्ड है,
ना ही मालती देवी अनुज को पाल पोस कर बड़ा किया हुआ है। इस तरह अनुपमा मालती देवी की बहू है ही नहीं, मालती अनुपमा कपाड़ियास की बहू है। मालती देवी के घर में अनुज नहीं है, अनुज के घर में, कपाड़ियास के घर में मालती देवी रह रही है, उनकी दया से, अनुज और अनुपमा की दया से। उस दया को वह हक समझने लगी है और जो उसकी बहू है ही नहीं उसके ऊपर सास के अधिकार जताने लगी है। और अगर वह अच्छी महिला होती तो बेटे की खुशी ना ही छोटे टाइम अनुज के पैदा होते समय वो देखी थी, ना ही आज देख रही है। उसका बेटे की खुशी अनुपमा में है, वो उसे दिखाई दे नहीं दे रहा है। उसे दिखाई क्या दे रहा है? अनुज की प्रॉपर्टी और उस घर के ऊपर उसके मालिकाना हक। अगर इतना मालिक बनना है तो खुद के डांस एकेडमी के बारे में सोचे, वो कहाँ गया, उसे कैसे वापस लाए, कैसे वो डांस को, उस डांस उसका सपना था ना, तो उसी के ऊपर वो जाती। लेकिन वो तो अनुपमा के घर को तोड़ने के लिए चली है। वो कैसी माँ है और कैसी औरत और कैसी इंसान, पूरा गैर ना गैरत जो कहते हैं बेशर्मी की, सभी हदें पार कर चुकी है। ऐसी महिला को तो घर में क्या, आंगन में भी, माने दरवाजे पर भी खड़े होने के लिए देना, माने मुसीबतों से घिरा रहना माना जाएगा। और क्या कहूँ मैम, थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू सो मच संयुक्ता जी, जहाँ तक मुझे याद है आपका नाम संयुक्ता ही है, क्योंकि काफी टाइम बाद आपने ऑडियो भेजा है। अगर आपका नाम मैंने गलत लिया तो उसके लिए सॉरी, आप अगली बार अपना नाम जरूर बताइएगा। आपका ऑडियो अच्छा लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी जो मैंने उस दिन कहा था घरेलू जो बातें हो रही थी इसमें, उसके लिए कहा था, मगर घरेलू बातों का मतलब ये नहीं है कि अगर आपके साथ अनुपमा जैसा धारावाहिक में दिखाते हैं कि महिलाओं के साथ समस्याएं आती हैं, अगर वैसी कोई समस्या आती है तो अवेयरनेस के लिए आप उसको थोड़े शब्दों में जरूर इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस कर सकती हैं, मगर ये नहीं कि आप कुछ विधियां मांगना शुरू कर दें या कुछ उपाय मांगना शुरू कर दें, वो नहीं। सिर्फ आप अवेयरनेस के लिए वो चीजों को डिस्कस कर सकती हैं विद सॉल्यूशन। तो यही मेरा कहना था, बाकी आपने अच्छा बोला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके ऑडियो में एक चीज नजर आती है कि आप सीखना चाहती हैं, आप हिंदी सीखना चाहती हैं, आपने अपनी बहनों के साथ रिश्ता बनाने की बात की है, मुझसे रिश्ता बनाने की बात की है, तो ये बातें अच्छी है। आप ऐसे ही कोशिश करते रहिए, हम भी जितनी कोशिश कर सकते हैं वो करेंगे। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे दोस्तों आज के ऑडियोस, कैसे लगे आपको, और आपका भी अगर मन है भेजने का तो जरूर भेजिए। नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.